हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए। आज हम इस वीडियो में बिजनेस लेटर और उसके फीचर्स के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिटन कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको लेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है और उसको बिजनेस लेटर कहा जाता है। तो बिजनेस लेटर क्या होता है? बिजनेस लेटर एक लेटर होता है जो फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा जाता है, ठीक है। और ये क्यों लिखा जाता है? जब एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से कम्युनिकेट करना होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर से कम्युनिकेट करना होता है, ऑर्गेनाइजेशन को क्लाइंट्स एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करना होता है, या फिर कोई भी एक्सटर्नल जो पार्टीज़ होती हैं उनसे कम्युनिकेट करने के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक रिटन फॉर्मेट में एक लेटर लिखती है, उसको हम लोग बिजनेस लेटर कहते हैं। बिजनेस लेटर क्या होता है? बिजनेस लेटर बहुत ही ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ किसी एक इंसान के, मतलब एक इंसान के बेस पे नहीं चलती है, है ना। उसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं, इंटरनल के लोग भी होते हैं और एक्सटर्नल के भी लोग होते हैं। तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बनाने के लिए हमें बिजनेस लेटर को लिखना पड़ता है। और किससे किससे लिखना पड़ता है? जैसे कि बिजनेस मैंस को हमें कम्युनिकेट करना है, कस्टमर से, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से तो हम लोग डायरेक्टली जाके कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, हम लोग अब लेटर देख के ही अपील कर सकते हैं। और ये जो बिजनेस लेटर होता है, जो बिजनेस लेटर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है फ्यूचर यूज़ के लिए, ठीक है। और ये जो बिजनेस है उसकी गुडविल को रिप्रेजेंट करता है, उसकी रेपुटेशन को बनाता है। पर्पस क्या होता है बिजनेस लेटर को लिखने का? हमें कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें कॉन्ग्रेचुलेशन विश करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी एम्प्लॉय या कस्टमर्स को, हमें इंक्वायरी चाहिए ऑर्डर के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, कलेक्ट ड्यूज, कहीं भी पेमेंट बाकी है वहाँ से रिकलेक्ट करना है तो उसके लिए, कंप्लेन के लिए, एडजस्टमेंट के लिए, और सेल अ प्रोडक्ट, सर्विस और स्कीम, इन सब के लिए हम बिजनेस लेटर को लिखते हैं। फीचर्स क्या हैं बिजनेस लेटर के? ये फीचर्स हैं आपके, हम इन सारे फीचर्स को एक एक करके समझ लेते हैं। ओके, पहला ये क्या? पहला ब्रीविटी। ब्रीविटी का मतलब होता है कि आप जिस लिए लेटर को लिख रहे हैं वो एक्सप्लेन्ड होना चाहिए बहुत ही अच्छे से, सब्जेक्ट मैटर मतलब जिस टॉपिक पे लिख रहे हैं, ठीक। और इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं होना चाहिए कि बहुत सारे वर्ड्स का यूज़ कर लीजिए जिससे क्या हो कि कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाए। और बिजनेस करस्पॉन्डेंट का मतलब भी बिजनेस लेटर ही होता है। ओके, तो लिमिटेड वर्ड्स में हमें सब्जेक्ट मैटर को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट फीचर क्या है? क्लैरिटी। तो क्लैरिटी का मतलब ये होता है कि हमें एम्बिग्यूटी को अवॉइड करना है। एम्बिग्यूटी मतलब जो बहुत ही, मतलब बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स और रिपीटेड वर्ड्स, बार बार नहीं लिखने हैं, ठीक। और बिजनेस लेटर डायरेक्ट लिखा होना चाहिए, घुमा फिरा के नहीं लिखना चाहिए। उसमें नॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए और बहुत ही अच्छे से, आराम से, रिलैक्स्ड और क्लियर टोन में बिजनेस लेटर को रिप्रेजेंट करना चाहिए, जिससे जो हमारा रिसीवर है उसको पढ़ने में दिक्कत ना हो। और बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर स्टाइल के वर्ड्स नहीं यूज़ करने हैं, अरे यार और बता, इस तरीके से नहीं वर्ड्स यूज़ करने हैं। बॉम्बेस्टिक लैंग्वेज को भी नहीं यूज़ करना है, क्योंकि बॉम्बेस्टिक मतलब होता है पुराने शब्द, मतलब बहुत ही जो पुराने ज़माने के टाइम पे जो वर्ड्स यूज़ होते थे वो वर्ड्स भी नहीं यूज़ करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फीचर के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट फीचर का मतलब क्या है? एक्यूरेसी। जेन्युइन इन्फॉर्मेशन स्ट्रेंथ्स द बिजनेस रिलेशन बिटवीन टू बिजनेस फर्म्स और टू इंडिविजुअल। हम जो भी बिजनेस लेटर में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, चाहे स्टैटिक्स डाटा हो चाहे डायनेमिक डाटा हो, हमें वो जेन्युइन देना है, क्योंकि जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ होती है, और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन की वजह से ही टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे रिलेशन बिल्ड होते हैं। हमें उस जो भी फैक्ट्स हम लोग डालेंगे लेटर में वो ट्रू होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट फीचर क्या है? पोलाइटनेस। दिस इज़ द बेस ऑफ बिजनेस लेटर, क्योंकि पोलाइटनेस से ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो बॉस है, ऑनर है, उसका बिहेवियर और उसका नेचर रिप्रेजेंट होता है। तो हमें पोलाइटनेस के जो वर्ड्स होते हैं वो बिजनेस लेटर में यूज़ करना चाहिए, जिससे कि
अच्छा इंप्रेशन बनता है और इफेक्टिव लेटर होता है, जैसे कि थैंक्स, आई रिग्रेट, प्लीज़, माई प्लेजर, इस टाइप से जो काइंड्स वर्ड हैं उनका यूज़ करना चाहिए। और जो रूड एक्सप्रेशंस हैं, अगर हम कंप्लेन भी कर रहे हैं तो उस कंप्लेन में बहुत ही ज़्यादा रूड एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट क्या है? कंसिडरेशन ऑफ द एड्रेसी। एड्रेसी मीन्स होता है रिसीवर। कीप इन व्यू द टाइप ऑफ द एड्रेसी और द रिसीवर। जब हम लेटर को लिख रहे होंगे तो हमें जिसको सेंड करना, जो भी रिसीवर है, उसको अपने माइंड में रखना है, उसी के नेचर के अकॉर्डिंग हमको लेटर को लिखना है। जैसा उसका मेंटल लेवल है रिसीवर का, उसी टाइप का हमको लेटर लिखना है, जिससे कि रिसीवर को मैसेज को रीड करने में दिक्कत ना हो, बहुत ही आसानी से मैसेज को रीड कर सके। जैसे कि अगर हम किसी इंजीनियर को मतलब बिजनेस लेटर लिख रहे हैं तो फिर टेक्निकल वर्ड्स यूज़ कर लेंगे, लेकिन किसी नॉर्मल पर्सन को लिख रहे हैं तो टेक्निकल वर्ड्स नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, यूज़ ऑफ जर्गन्स। राइटर शुड यूज़ ओनली दोज टेक्निकल टर्म्स विद द रीडर ऑफ द लेटर इज सो श्योर टू अंडरस्टैंड। इसका जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था इंजीनियर वाला, वो एग्जाम्पल इसके अंदर फिट बैठता है कि हमें उस टाइप्स के वर्ड्स यूज़ करने हैं जो रीडर के लिए ईजली अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, उस टाइप्स के वर्ड नहीं यूज़ करने हैं कि जो रीडर है, जो भी रीडर रीड करेगा मतलब लेटर को, वो सही से समझ ना पाए, कंफ्यूज हो जाए, मिसलीड हो जाए, मिसअंडरस्टैंड हो जाए। इस तरीके के वर्ड्स हमें अपने बिजनेस लेटर में नहीं यूज़ करने हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको वीडियो अगर समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने कमेंट्स हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।